हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नेहा कक्कड़ और फाल्गुनी पाठक की जो कंट्रोवर्सी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। नेहा कक्कड़ फोटोज़ शेयर कर रही, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ट्रॉलर्स को जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फाल्गुनी पाठक ने अभी हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में नेहा को लेकर काफ़ी कुछ बोला है, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। अब इन सब को लेकर एआर रहमान ने अपनी राय रखी है, जिसके बाद इस बहस को एक नया मोड़ मिल गया है। एआर रहमान का नाम बॉलीवुड के सबसे फेमस सिंगर भी गिना जाता है, तो वहीं एआर रहमान ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बिना नाम लिए नेहा कक्कड़ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जितना मैं इस रीमेक कल्चर को देखता हूँ, ये उतना ही बिगड़ा हुआ लगता है। उन्होंने गाना रीमेक करने वालों की क्लास लगा दी। सिंगर ने कहा कि आप इस रीमेक को करने वाले होते कौन हैं? आपको दूसरों के काम को सम्मान देना चाहिए। मैं दूसरे लोगों के काम को लेकर बेहद सावधान रहता हूं। इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद फाल्गुनी पाठक के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वेल दोस्तों, बता दें आप सभी को कि फाल्गुनी पाठक और नेहा कक्कड़ का विवाद मैंने पायल है छनकाई गाने से शुरू हुआ। इस गाने को फाल्गुनी पाठक ने गाया था, और ऐसे में बता दें आप सभी को कि अब जो ये लड़ाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, जहां पर फैंस वो तो शुरू से ही फाल्गुनी पाठक को सपोर्ट कर रहे हैं। इस अपडेट पे हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।